बात है। और यही नहीं, एक बात और बता रहा हूँ, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा, इसमें एंटी रेडिकलाइजेशन एक टीम बनाने की बात है जो शराब, गुजरात में शराबबंदी के बाद शराब कैसे आ रही है, बोल दो। देखिए यूसीसी पर, मैंने भ्रष्टाचार पे बोल दो, ऐसा है कि यूसीसी पर देश भर में बोल दो। बड़ी अजीब सी बात है ना अजय जी, बार बार चर्चा करते हैं इस पर, कानून लाने की जब बात होती है तो फिर डाइवर्सिटी आ जाती है, फिर प्लूरलिज्म आ जाता है, मतलब ये क्या है? अजय जी इतना ज्यादा डिस्टर्ब, डाटा की जरूरत है प्रधानमंत्री साहब, आटे पे क्यों नहीं बोलते हैं? अरे भाई तो आप अपने समय बोलो ना, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हो? डाटा आप दूसरे को क्यों बोलते हो? फेसबुक और ट्विटर जैसी जो झूठ की यूनिवर्सिटी है भाई, सारा झूठ है, आप सच हो। पारासर इनका, आपकी क्या समस्या है? आईटी सेल मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पर कंप्लीट करने देते हैं, फर्जी एडिटिंग वीडियो चलाने के 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सवाल किया तो इसलिए ये झूठ की बात करेंगे, देखो डाटा की बात करेंगे। विरोध हुआ है, देश है ये भारत है, अलग अलग राज्यों का देश है, कानून लागू होता है, हिंदू मुस्लिम तक आएगी या अंतर लागू, तो सेंटर को ही करना पड़ता है, तो ये अलग अलग लागू होते हुए जो विरोध है उसका कारण भी समझिए। आज भाई सुन लीजिए, क्या बात, ऐसे कहीं डिबेट ना, एक बार आज जी एक बार सुन लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होता। नहीं नहीं, आप लगातार बोलेंगे, लगातार आपके बीच में नहीं बोला अजय जी, अजय जी होता है कैसे? अजय जी बोला फिर मैं अश्विनी जी का रुख करूंगा। जैसे हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ विरोध क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसे ही उत्तराखंड की घोषणा हुई, राष्ट्रपति को लिखा कि यह संविधान विरोधी है, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। जब ये कॉमन सिविल कोर्ट आ जाएगा, पर्सनल लॉ नहीं रहेगा, तो पर्सनल बोर्ड अपने आप खत्म हो जाएगी, उसकी जरूरत ही नहीं रहने वाली है। तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर के अपनी राजनीतिक और अपनी मजहबी दादागिरी चलाते हैं, उनकी तो खत्म हो जाएगी। तो वो सारे लोग इसीलिए उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन सिविल कोर्ट का मतलब हो गया कि मुस्लिमों के नाम पर पर्सनल लॉ बोर्ड, जितनी अनेक संस्थाएं हैं उनकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। तो उनकी समस्या यहां आ रही है, इसलिए उनका विरोध इसलिए नहीं है कि कॉमन सिविल कोर्ट से वहां समानता आ जाएगी, उत्तराधिकार के नियम हो जाएंगे। भाई कोई महिला पुरुष अगर अपने लिए एक बच्चे को गोद लेना चाहता है, उसमें मजहब क्यों आ रहे हैं? ठीक है, अकील खान कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी अकील खान जी को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आए जी। मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए देखिए मैडम, हमारे देश के अंदर देखिए ला कमीशन का रिपोर्ट है कि इट इज नॉट फिजिबल इन इंडिया, ये साफ साफ है। वेरी नाइस, हमारे देश के अंदर फिजिबिलिटी है। दिस इज व्हाट अकील खान जी की पर्सनल रिपोर्ट है। ज्यादा हमारे देश में डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी अगर हम उसको रियल टर्म्स में एड्रेस करना चाहेंगे, तो ये जो इस तरह का जो मतलब लॉ बना रहे हैं।